क्लास 11th, मायसर श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है इंटरनल हार्ड ड्राइव। इंटरनल हार्ड ड्राइव क्या होती है? यू कैन स्टोर योर डेटा ऑन एन इंटरनेट हार्ड ड्राइव। आप अपने डेटा इंटरनेट में हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट लोकली ऑन योर फिक्स्ड और रिमूवेबल हार्ड डिस्क। ये जो डिस्क होती है वो फिक्स्ड भी होती है और रिमूवेबल भी होती है। एन इंटरनल हार्ड ड्राइव समटाइम्स कॉल ऑनलाइन स्टोरेज। कभी कभी जो इंटरनल हार्ड ड्राइव होती है उसे हम ऑनलाइन स्टोरेज भी कहते हैं। इज अ सर्विस ऑन द वेब डेट प्रोवाइड्स स्टोरेज टू अ कंप्यूटर यूजर। ये जो सर्विसेज होती है वो वेब के द्वारा कंप्यूटर यूजर को प्रोवाइड की जाती है स्टोरेज के लिए। मैनी ऑफ अ स्टोरेज विच आर फ्री और ऑफ चार्ज टू द कंज्यूमर। कभी कभी जो ऑफर स्टोरेज होती हैं ये फ्री में होती हैं। द एडवाइजर ऑन द साइट आर द सोर्स ऑफ द कलेक्टेड रेवेन्यू। यूजर स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन और इंटरनेट हार्ड ड्राइव फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। कुछ रीजन की वजह से हम इसको इंटरनेट में स्टोर करते हैं। देयर इज नो नीड फॉर एनी लॉन्गर टू ट्रांसपोर्ट फाइल फ्रॉम योर डेस्कटॉप कंप्यूटर वाइल यू अवे। यू कैन सिंपली कॉपी फाइल टू एन इंटरनेट हार्ड ड्राइव एंड एक्सेस दैम फ्रॉम एनी कंप्यूटर और ड्राइव दैट्स द वेब एक्सेस। ठीक है, सेकेंड क्या है? एज यू सर्व द वेब यू मे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन अ डाउनलोडिंग और सेविंग फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क। इन स्टेट यू कैन सेव द लार्ज ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिक्स फाइल ऑन एन इंटरनल इंटरनेट हार्ड ड्राइव। क्या होता है, कभी कभी हम अपने समय को बचाने के लिए ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स फाइल को इंटरनेट हार्ड ड्राइव में सेव कर देते हैं। नेक्स्ट एज एन ऑल्टरनेटिव टू ईमेलिंग अटैचमेंट। कभी कभी अटैचमेंट के लिए भी हम फैमिली फ्रेंड्स या कोवर्कर्स एंड कस्टमर को जो करते हैं तो उसके लिए हम इंटरनेट के हार्ड ड्राइव पे अपने अटैचमेंट को सेव कर देते हैं। व्यू टाइम क्रिटिकल डेटा एंड इमेज इमीडिएटली वाइल अवे फ्रॉम द मेन ऑफिस और लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर कैन व्यू एक्सरे इमेज फ्रॉम अनदर हॉस्पिटल होम और ऑफिस वाइल ऑन अ वेकेशन। कभी कभी टाइम को देखते हुए भी हम अपनी चीज़ों को इंटरनेट पर की हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हैं। जैसे कभी हमें डॉक्टर्स को कोई एक्सरे वगैरह दिखाना तो हम अपने फ़ोन की हेल्प से ही उसको दिखा सकते हैं। अब आता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम सीडी कहते हैं। ये एक स्मॉल डिस्क कंटेनिंग होती है जो डेटा रिकॉर्ड करने का काम करती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर मीडियम डेट रिजल्टेड फ्रॉम द ऑडियो टेक्नोलॉजी। ये ऑडियो टेक्नोलॉजी पे होती है। इसे फिलिप्स ने 1980 में डेवलप किया था। दिस शाइनी ऑलमोस्ट इनडेस्ट्रिकेबल डिस्क आर नाउ फैमिलियर टू द वर्चुअल एवरीवन हु एंजॉय लिसनिंग टू द म्यूजिक और इंटरेस्टेड इन अ हाईफाई कंप्यूटर। ठीक है, जो सीडी होती है वो टेमेंडियस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसमें 650 मिलियन बाइट्स होते हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू मोर देन 4001.44 MB की फ्लॉपी डिस्क के बराबर होती हैं। अब इसके बाद देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अ कॉम्पैक्ट डिस्क मीडियम फॉर्मेट इज यूज टू होल्ड टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड हाई फाई स्टूडियो साउंड। इट इज सिमिलर एन ऑडियो सीडी बट यूजेस अ डिफरेंट ट्रैक फॉर्मेट टू द स्टोर डाटा। द आइडियो सीडी प्लेयर कैन नॉट प्ले सीडी रोम बट सीडी रोम प्लेयर कैन प्ले आइडियो डिस्क। जो आइडियो सीडी प्लेयर होता है वो सीडी रोम में नहीं चल पाता, लेकिन जो सीडी रोम प्लेयर होता है वो आइडियो डिस्क में चल जाता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है डेटा की वो 650 MB होती है। डो किट 250,000 पेजेस टू टेक्स और 220,000 मीडियम रिजोल्यूशन इमेजेस पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद आपका आता है सीडी रोम ड्राइव स्पीड। ये जो ड्राइव होती है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन द विंग एनिमेशन और वीडियो सच द दोस फाउंड इन अ मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया एंड गेम्स के लिए होती है। स्लो सीडी रोम ड्राइव रिजल्ट इन अ चॉपी इमेज और साउंड। द डेटा ट्रांसफर रेट इज द टाइम टेकन बाय द ड्राइव टू ट्रांसमिट डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ड्राइव टू अनदर डिवाइस। दो ओरिजिनल सीडी रोम ड्राइव्स वर सिंगल स्पीड्स ड्राइव विद अ डेटा ट्रांसफर रेट जो इसकी होती है 150 KB/s होती है। इसके बाद आपका आता है फोटो सीडी। बच्चों, इसको बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है नहीं और बाकी चीज़ें इसके बारे में आप जानते ही होंगे। अब देखिए फोटो सीडी, अ डिजिटिंग सिस्टम फ्रॉम कोडेक दैट अलाउ 35 mm फिल्म पिक्चर्स नेगेटिव स्लाइड्स एंड स्कैन इमेज टू बी स्टोर द कॉम्पैक्ट डिस्क। इमेज आर स्टोर इन अ फाइल फॉर्मेट कॉल्ड कोडेक फोटो सीडी इमेज पैक फाइल फॉर्मेट और PCD। मैनी फोटोग्राफी और फिल्म डेवलपमेंट बिजनेस ऑफर दिस सर्विसेज। ये जो मतलब सर्विसेज होती हैं ये बहुत से फिल्म बिजनेस से रिलेटेड लोग देते हैं। इमेजेस स्टोर ऑन अ फोटो सीडी कैन यूजली बी व्यू बाय द एनी कंप्यूटर विद अ सीडी रोम कैपेबिलिटी। जिसमें भी सीडी रोम कैपेबिलिटी होगी वहाँ पे ये चीज़ें हम देख सकते हैं। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वो PCD होता है। सच इमेजेस कैन ऑल्सो व्यू यूजिंग अ वन ऑफ वैरायटी प्लेयर डिजाइन टू द डिस्प्ले इमेज स्टोर ऑन अ सीडीज। अब आता है सीडी रिकॉर्डेबल। सीडी
recordable is a recordable CD-ROM that can be written only once. That drive that writes the CD. Disks are often called a one-off machine and can also be used to the regular CD-ROM reader. CD-R is a create equivalent bits in the disks by altering the reflectivity of a dye layer. Different dye can be used including CAN, yani green, photokine, yani ki yellow gold and metal azo, yani ki blue, ye teal color ki hoti hai. इसके बाद आप देखिए CDR या CD-ROM लेयर, ये क्या होती है, गोल्ड एंड सिल्वर की होती है, रिफ्लेक्टेड के लिए यूज़ किया जाता है CD डिस्क में. फ्रेश आउट ऑफ द बॉक्स CDR डिस्क इज इंटरनली रिफ्लेक्टिंग लैंड बिकॉज द डाई लेयर इज अ ट्रांसपेरेंट इन अदर टू क्रिएट एन इक्विवेलेंट पिट द लेजर डिफॉल्ट द डाई मेकिंग इज डार्कर एंड लेस रिफ्लेक्टेड. CD राइटेबल का होता है, नाम से समझ में आ रहा है, री राइटेबल CD ROM टेक्नोलॉजी जो होती है कैन ऑल्सो बी यूज टू राइट CD डिस्क एंड दे कैन ऑल्सो रीड CD ROM, बट CD राइट डिस्क हैव अ लोअर रिफ्लेक्टिविटी देन CD ROM. और जो CDR होता है ये न्यू मल्टी रेड रोम ड्राइव होती है जिसके लिए रीड रिक्वायरमेंट होती है. इनिशली नोन द CDE यानी कि इरेजिबल होती है, इसे हम जब चाहे इसको हटा सकते हैं और कई बार इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं. DVD क्या होता है, आजकल DVD ज़्यादा चल रही है. अ फैमिली ऑफ ऑप्टिकल डिस्क डैश हैव सिमिलर ओवरऑल डायमेंशनल लाइक अ CD या CD जैसा होता है बट हैव सिग्निफिकेंसली हाई कैपेसिटी, लेकिन इसकी कैपेसिटी CD से ज़्यादा होती है. DVD ऑल्सो डबल साइडेड या दो साइडेड होता है, वेयर CD आर सिंगल साइडेड, जबकि जो CD होती है वो सिंगल साइड होती है. डुअल लेयर वर्जन आर ऑल्सो प्लेन. DVD ड्राइव्स रीड मोस्ट CD मीडिया एज वेल एज बोथ ऑफ द कंप्यूटर एंड द मूवी इंडस्ट्री. जो कंप्यूटर और मूवी इंडस्ट्री होती है वो DVD का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है. There are several formats of a DVD. DVD video is the movie format player that they could attach to TV से, हम TV से या home theater से भी बहुत आसानी से attach कर सकते हैं. इसके बाद देखिए आपका आता है टेप. टेप क्या होता है, बहुत समय पहले आप इससे बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस भी हुए होंगे. वन ऑफ द फर्स्ट स्टोरेज मीडिया, ये पहला स्टोरेज मीडिया है यूज बाय द मेन फ्रेम कंप्यूटर वॉज टेप. टेप इज अ मैग्नेटिकली कोटेड रिबन और प्लास्टिक कैपेबल, प्लास्टिक कैपेबल होता है और इसमें रिबन कोटेड होता है. ये भी स्टोरिंग करता है डाटा को इंफॉर्मेशन एट अ लो कॉस्ट. सिमिलर टू अ टेप रिकॉर्डर अ टेप ड्राइव रीड फ्रॉम एंड राइट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑन अ पेज. ऑल्दो ओल्डर कंप्यूटर यूज रील टू रील टेप ड्राइव, जो पुराना कंप्यूटर होता था वो रील वाला टेप ड्राइव का यूज करता था. टूडे टेप ड्राइव्स यूज टेप कार्टिगस. अ टेप कार्टिगस इज अ स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लास्टिक हाउसिंग ऑफ अ टेप होता है. टेप कार्टिगस कंटेनिंग 1/4 inch वाइड टेप आर स्लाइटली लार्जर देन द ऑडियो कैसेट टेप होता है. ठीक है, PC यूजर समटाइम्स कीप अ बैकअप ऑफ अ हार्ड डिस्क ऑन अ टेप. जो PC यूजर होते हैं वो कभी कभी बैकअप लेने के लिए इस टेप का इस्तेमाल करते हैं. अब हम आते हैं PC कार्ड. PC कार्ड ये क्रेडिट कार्ड साइज का होता है, रिमूवेबल होता है, पोर्टेबल होता है, कंप्यूटर पे कहीं पे भी इसको लगाया जा सकता है. PC कार्ड आल्सो नोन एज द PCMCIA कार्ड्स. PC कार्ड आर 16-bit डिवाइस होती है डेट आर यूज टू अटैच द मॉडम्स, नेटवर्क एडाप्टर, साउंड कार्ड्स, रेडियो ट्रांसिस्टर्स, सॉलिड स्टेट डिस्क एंड हार्ड डिस्क टू अ पोर्टेबल कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ये प्लग एंड प्ले पे डिपेंड करती है. ऑल PC कार्ड आर 85.6 mm लॉन्ग होते हैं और 54 mm वाइड होते हैं. द यूज़ हो जो होता है इसमें 68-pin कनेक्टर होता है. द ओरिजिनल टाइप ऑफ वन कार्ड इज 3.3 mm थिक एंड इट्स टिपिकली यूज टू होल्ड मेमोरी. फिर आता है मिनिएचर मोबाइल स्टोरेज. ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं उसमें इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है. दीज हैंड हेल्ड डिवाइस डू नॉट हैव मच इंटरनल स्टोरेज, सम यूज़ PC कार्ड. इसलिए इसमें PC कार्ड का यूज़ किया जाता है. टू अ व्यू इमेज एंड अदर इंफॉर्मेशन कैप्चर ऑन अ मिनिएचर मोबाइल मीडियम, यू कैन ट्रांसफर इट कंटेंट टू योर डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर से इसको कहीं पर भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं. स्मार्ट कार्ड क्या होता है, स्मार्ट कार्ड विच इज़ सिमिलर इन अ साइज टू द क्रेडिट कार्ड और ATM के साइज का ही होता है. माइक्रो प्रोसेसर इस कार्ड में एम्बेडेड होते हैं. व्हेन यू इंसर्ट द स्मार्ट कार्ड इनटू द स्पेशलाइज्ड कार्ड रीडर, स्पेशलाइज्ड कार्ड रीडर में जैसे ही इसे हम इंसर्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑन द स्मार्ट कार्ड इज रीड. इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसे रीड करता है. इफ़ नेसेसरी अपडेटेड और जो जरूरत होती है उसको ये अपडेट करता है. टू टाइप्स ऑफ अ स्मार्ट कार्ड एग्जिट, इंटेलिजेंट एंड मेमोरी. एंड इंटेलिजेंट स्मार्ट कार्ड कंटेन जो करता है वो प्रोसेसर एंड हैज़ अ इनपुट प्रोसेस और आउटपुट एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है. जो मेमोरी कार्ड होता है वो हैज़ ओनली स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ होती है. मेमोरी कार्ड कैन स्टोर द वैरायटी ऑफ डेटा इंक्लूडिंग द फोटोग्राफ्स, म्यूजिक, बुक्स एंड वीडियो क्लिप्स. इन सबको स्टोर करता है. एज मेंशन अर्लियर, मेनी डिजिटल कैमराज एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेज आर यूज मेमोरी कार्ड.
जो हमारे डिजिटल कैमरास और डिवाइसेस होती हैंड हेल्ड, उसमें मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। पेन ड्राइव से इस समय सभी लोग परिचित हैं। ये एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है, जिसे हम यूएसबी ड्राइव के नाम से जानते हैं। ये स्टिक होती है, थंब ड्राइव होती है, पेन ड्राइव, जंप ड्राइव, फ्लैश ड्राइव और यूएसबी मेमोरी इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस। एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है। इस डिवाइस के द्वारा हम किसी भी डेटा को किसी भी कंप्यूटर में बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है माइक्रोफ्रेमन और माइक्रोफिशिया स्टोर माइक्रोस्कोपिक इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स रोल ऑन अ शीट देम। इसमें ये जो भी इसकी चीज़ें होती हैं वो शीट में रोल होती हैं। माइक्रोफ्रेम यूजेस अ 100 to 215 foot रोल ऑफ अ फिल्म। माइक्रोफिशियस यूजेस अ स्मॉल शीट ऑफ अ फिल्म, यूजली अबाउट 4 inches by 6 inches। अ कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म रिकॉर्डर इज द डिवाइस डैट रिकॉर्ड द इमेजेस ऑन द फिल्म। ये जनरली फिल्म की में इमेजेस को रिकॉर्ड करता है। द स्टोरेज इमेजेस आर सो स्मॉल डैट यू कैन ओनली रीड दैम विद अ माइक्रोफिल्म और माइक्रो सिक्स रीडर। एप्लीकेशन ऑफ अ माइक्रोफिल्म एंड माइक्रोक्रेबल वाइड स्प्रेड। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लाइब्रेरीज यूज दिस मीडिया टू स्टोर बैक इशू ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड जर्नलॉजी रिकॉर्ड्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो भी माइक्रोफिल्म का यूज़ करते हैं। बैंक यूज टू स्टोर द ट्रांजेक्शन एंड कैंसिल चेक में इसका इस्तेमाल बैंक करता है चेक को कैंसिल करने और ट्रांजेक्शन में। द US आर्मी यूज टू स्टोर पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए, पर्सनल रिकॉर्ड रखने के लिए जो हमारी US की आर्मी होती है वो इसका यूज़ करती है। बच्चों, इसके साथ ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।